रखने वाली वायल बनी होती है? आंसर सी कांच या प्लास्टिक की। क्वेश्चन नंबर दो, एम्प्यूल में दवा की कितनी खुराक आती हैं? आंसर ए एक। क्वेश्चन नंबर थ्री, इंसुलिन सामान्यतः दिए जाती है? आंसर बी खाना खाने से पहले। क्वेश्चन नंबर पाँच, दवाइयाँ लेने का सबसे आसान सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है? आंसर ए ओनली मुख मार्ग द्वारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रोगी को डिजॉक्सिन देने से पहले उपचार का निरीक्षण करना चाहिए? आंसर डी नाड़ी की गति का। क्वेश्चन नंबर सेवन, रोगी को नारकोटिक्स नशीली दवाइयाँ देने से पूर्व उपचार का की को परीक्षण करना चाहिए? आंसर बी सांस की दर का। क्वेश्चन नंबर आठ, आंतरित दवाइयाँ पेरेंटल मेडिसिन देने के लिए उपचार का को आवश्यकता होती है? आंसर डी उपयुक्त सभी की, एक वायल एम्फिल की, एक सिरिंज की, एक सुई की। आंसर क्वेश्चन नंबर नौ, अंतर त्वचीय इंजेक्शन लगाया जाता है? आंसर है एलर्जी परीक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर दस, त्वचा के ठीक नीचे बसी ऊतकों में लगाए जाने वाले इंजेक्शन कहलाते हैं? आंसर सी अंध स्तचीय इंजेक्शन। कौन मतलब है? अंग्रेजी में लिख देते। क्वेश्चन नंबर 11, इंजेक्शन लगाते समय प्लंजर को पीछे खींचकर निकालते समय यदि सिरिंज में रक्त आता है तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि यह इंजेक्शन लग गया है? आंसर बी नस में। क्वेश्चन नंबर 12, बड़े इंजेक्शन 1-2 मिली तक बच्चों के लिए तथा 3 मिली वयस्कों के लिए दिए जाते हैं? आंसर ए मांसपेशी में। क्वेश्चन नंबर 13, अंतःस्राव चिकित्सा आईवी का उपयोग किया जाता है जब रोगी होता है ए बेहोशी में, निर्जलीकरण स्थिति में, सदमे में, सभी में। आंसर डी सभी में। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकांश अंतःस्राव दवाएं नसों से बाहर पहुंचने पर ऊतकों में उत्पन्न होती हैं? आंसर सी क्षोभन। क्वेश्चन नंबर 15, एक साधारण ड्रिप से 1 ml में कितनी बूंदें टपक सकती हैं? क्वेश्चन आंसर बी 10 से 15। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रिप लगाने के लिए मुख्यतः सबसे उपयुक्त स्थान होता है? आंसर ए अग्र बाहु की नसें। क्वेश्चन नंबर 17, मरीज को रक्त चढ़ाते समय उपचार का को रिकॉर्ड करना चाहिए? रक्त का प्रकार, ड्रिप की दर, रक्त की मात्रा। आंसर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 18, त्वचा में इंजेक्शन लगाते समय सिरिंज को पकड़ना चाहिए? आंसर डी 15 डिग्री के कोण पर। क्वेश्चन नंबर 19, अंतःपेशी इंजेक्शन अधिकतर जांच के ऊपरी हिस्सों में तथा नितंबों में लगाए जाते हैं जहां पर होता है? आंसर ए अधिक मांस। क्वेश्चन नंबर 20, कंधे की त्रिकोणीय पेशी होती है बाजू के? आंसर सी ऊपरी भाग में। क्वेश्चन नंबर 21, सभी रोगी को कभी भी रक्त या रक्त के उत्पादों के साथ नहीं देना चाहिए? आंसर दवाइयाँ, ग्लूकोज का पानी, विसंक्रमित जल। आंसर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय रक्त को मरीज के पास आने के लिए कितने समय तक चढ़ा देना चाहिए? आंसर डी 24 घंटे तक।